नगरी ओ समा तेरी नगरी बार बार आना समा तेरी नगरी ओ समा तेरी नगरी बार बार आना समा तेरी नगरी ओ समा तेरी नगरी मथरा भी टोलिया गोकला भी टोलिया मथरा भी टोलिया पेती बनी आयो समा मेरी नजरी ओ समा मेरी नजरी बार बार आना समा तेरी नगरी ओ समा तेरी नगरी बार बार आना समा तेरी नगरी आइए दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और ये देखिए, ये जो पत्ते हैं ना, इनको धो लेंगे पहले अच्छे से। ये मिक्स पत्ते हैं, बाथू और मरेली और अरवी के पत्ते हैं। और ऐसे छोटे छोटे पत्ते जो है वो, मतलब और भी चीज़ें होती हैं, पता नहीं, अब मुझे नाम नहीं है उनका पता। तो ये अच्छे से साफ़ कर लेंगे पहले। और
ये देखिए, फिर इनको ना बारीक करके काट लेंगे ऐसे ऐसे काट लेंगे सारे, और बारीक होने चाहिए ये। जितने बारीक होंगे ना उतने अच्छे होंगे ये। और ये हैं देख, सारे पत्ते जो है वो आप लोगों के साथ जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये ऐसे ही सारे काट लेने हैं हमने। और फिर जो है हमने आज आपके साथ रेसिपी करनी है साग। साग जो है वो आज हम बना रहे हैं। तो ये है साग, मतलब ये मिक्स पत्तों का साग है। और फिर इसमें ना मतलब पंजाब साइड में जो है वो अपने अपने तरीके होते हैं बनाने के। पंजाब साइड में जो है वो ऐसे ही बना देते हैं जैसे ये काटे ना, फिर ऐसे ही साग बना देंगे। हमारे यहाँ ऐसे जो है वो बनाते नहीं हैं, बहुत कम बनाते हैं। और हमें टेस्टी लगता है वो साग जो जिसमें जो मतलब चावल भी होते हैं। तो हम जो है चावलों वाला साग जो है आपके साथ शेयर करेंगे। और ये देखिए, अब सारे हमने जो पत्ते जितने थे ना वो सारे हमने काट लिए और ये पतीले में हमने डाल दिए सारे। और ये ले लिया हमने चावल। चावल हमने उतने लेने हैं जितना हमारा जो ये मतलब पत्ते हैं ना, जितना हमने काटे हैं ये पत्ते, उस हिसाब से मतलब ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए चावल, मतलब बराबर बराबर होना चाहिए। और ये देखिए, अब चावल भी इसमें हमने डाल लिए हैं। तो आँच कुछ ज़्यादा लगी है। और अब हमने पानी जो है वो डाल लेना है ताकि हमारा साग और हाँ वो पत्ते और ये चावल जो है पक जाए, उतना ही हमने जो है पानी ऐड करना है इसमें। और ये हमने जो है हल्दी भी डाल दी और ये डाल दिया नमक। और अब ये हमने ना अच्छे से पकने देना है अब। और ये हो गया जी हमारा सब कुछ इसमें। और ये थोड़ा सा हींग हमने जो है वो ऐड कर लेना है। अब इसको जो है पकने देंगे। और ये देखिए, ये हमारा पक गया है। और इसमें ना जितना हम घोटा लगाएंगे ना उतना ही स्वाद होता है। और ये मिक्स कर लेंगे अब अच्छे से इसको, चावल और ये जो पत्ते हैं ना इसको मिक्स कर लेंगे। फिर बन गया हमारा साग। ये देखिए, ऐसे मिक्स कर लेंगे जितना हो सकता है उतने। आप आंच भी एक बराबर रखनी है और ऐसे घोटा भी लगाते रहना है इसको, ताकि हमारा जो है वो ये साग और चावल जो है वो चारों साइड से पक जाए। और अब हमने जो है वो उतार लिया और ये हो गया। अब हमारा साग जो है वो बन गया, पर कंप्लीट नहीं हुआ है अभी ये, मतलब अभी पका है। और देखिए, जितना हम ना इसमें घोटा लगाएंगे, पता नहीं पिछले जो बुज़ुर्ग होते थे ना वो कहते थे कि जितना हम घोटा लगाएंगे मतलब 100 बार जो है वो घोटना पड़ता है साग को, तो बनता है बहुत टेस्टी। और भाई सच में टेस्टी होता है। ये देखिए, अब कितना जोर लगा रहे हैं। और ये देखिए, जितना मतलब हम घोटा लगाएंगे उतना ही स्वादिष्ट बनेगा हमारा साग। और ऐसा बनाते हैं हम साग जी। और अब जो है हम ये देखिए, यहाँ पे धनिया और थोड़ा सा जो है वो जीरा, जीरा ज़्यादा नहीं लेना है बिल्कुल कम। और मिर्चें और लहसुन प्याज हमने कूट के जो है वो रख लिया। और यहाँ पे हमने तेल जो है वो कढ़ाई में डाल लिया। और तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है इसमें। और ये हमने जो अभी दरदरा बनाया था ना वो हमने इसमें डाल देना है। और अब हमने जो है इसको पकने देना है ब्राउन कलर का। जब हमारा ये हो जाएगा ना फिर हमने जो है इसमें साग डालना है। और ये देखिए, अभी ये थोड़ा सा प्याज हमने फिर डाल लिया ऊपर से। एक्चुअली जितना ना हम लहसुन प्याज जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है साग में। और ये देखिए जी, अब हमारा तड़का जो है वो हो गया। और ये हमने जो है इसमें साग डाल दिया। ये देखिए, और आप लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, आप मेरा साथ दे रहे हैं।
और आगे भी आप साथ देते रहना। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से मैं कि प्लीज़ जितने भी आप ना मेरे व्यूवर हो और मेरे वीडियो रोज़ मतलब आप देखते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा करना कि आगे आगे शेयर ज़रूर करना, लाइक और शेयर को ज़रूर कहना करना आप, और औरों को भी जो है जितने मतलब आपके रिश्तेदार हैं ना, आपको अगर अच्छी लगे तो आप शेयर करना, अगर अच्छी नहीं लगती है तो नहीं करना, क्यों फिर ज़बरदस्ती वाली बात हो जाएगी, तो ज़बरदस्ती नहीं करनी है। मतलब अगर आपको अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं लगती है तो शेयर नहीं करना है। और ये हमारा साग जो है वो बन गया, और ऐसा बनाते हैं हिमाचली तरीके से साग। ओके, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके फिर आपके साथ हाजिर होते हैं।